नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि अगर इन सेवाओं में अभी तक आपने अपना आधार नंबर रजिस्टर नहीं करवाया तो आप 1 अप्रैल के बाद उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बात आती है हमारे सिम कार्ड की यानी कि मोबाइल नंबर की। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपने आधार नंबर के साथ लिंक नहीं करवाया तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि आप इसका लाभ अब आगे नहीं उठा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये ऑर्डर कर दिए हैं, अभी फिलहाल उस पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन आपको ये अपने आधार नंबर के साथ लिंक करवाना बहुत ही ज़रूरी है अपने सिम नंबर को। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, और आपको सिम अपने आधार से लिंक करने के लिए अपने सर्विस रिटेलर के पास जाना पड़ेगा। सिम कार्ड जहां से आपने लिया है आप वहां पर जाकर अपने सिम कार्ड को अपने आधार नंबर से बहुत ही आसानी से लिंक करवा सकते हैं और अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं LIC। दोस्तों LIC को भी, जो भी हमारी LIC या हमने अपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसे भी अब अपने आधार नंबर के साथ लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही आसानी से इसको आप लिंक कर सकते हैं अपने आधार नंबर के साथ। हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर बड़ी ही आसानी से घर बैठे इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से आप LIC में अपने आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये कर पाएंगे और इन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये भी आपकी LIC जो है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों तीसरी चीज़ है, आधार कार्ड के साथ आपको पैन कार्ड लिंक कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैन नंबर अभी तक आधार से लिंक नहीं करा तो ये भी 31 मार्च के बाद या तो ये रद्द हो जाएंगे आपके पैन कार्ड, या फिर ये चालू नहीं रहेंगे। तो अगर आप अपना पैन कार्ड को रद्द होने से बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, इसको आप लिंक करवा लीजिए। और हमारे चैनल पे हमने वीडियो भी बनाई है, आप एक मिनट में अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से सिर्फ एक मिनट के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं और अपनी सेवा को चालू रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है ये आधार नंबर से लिंक करना। और दोस्तों चौथी बात है, पोस्ट ऑफिस की जो भी सेवाएँ हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आप जानते हैं कि पेंशन्स या पोस्ट ऑफिस में भी हम अपना फंड इकट्ठा करके रख सकते हैं, या बहुत सारी जो हम स्कीम्स ले लेते हैं, तो उन स्कीम्स के अंदर भी जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसमें भी अपने आधार नंबर को लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर आज ही अपने आधार नंबर को लिंक करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो जितनी भी पोस्ट ऑफिस की सेवाएँ हैं, चाहे वो फंड का हो, चाहे वो आपका जो भी सर्विस है, पैसा इकट्ठा आपने किया हुआ है, चाहे कैसी भी सर्विस है, वो सारी सेवाएँ आप नहीं ले पाएंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवाओं के साथ आधार नंबर को लिंक नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है बैंक अकाउंट के साथ अपने आधार नंबर को लिंक करना। दोस्तों आपने देखा ही होगा और बहुत सारी आपने YouTube पर वीडियो भी देखी होंगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना। अगर आप अपने आधार नंबर से इसे लिंक नहीं करेंगे तो आप अपने बैंक से जुड़ी कोई भी सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे, और 31 मार्च के बाद आपको इसमें बहुत परेशानी होने वाली है। चाहे आपको पैसे निकालने हैं, चाहे जमा करने हैं, चाहे और भी बैंकिंग की कितनी भी सेवाएँ जिसमें आप कुछ भी यूज़ करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करवाया। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप इन सेवाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आधार नंबर के साथ जरूर लिंक करिए, ताकि 1 अप्रैल के बाद भी आप इन सेवाओं का लाभ ले सकें। और हमारे चैनल पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने आधार नंबर को इन सभी सेवाओं के साथ लिंक करने के आसान तरीके बताएं, जिसमें आप घर बैठे इन सभी सेवाओं के साथ अपने आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही इन सेवाओं के साथ अपने आधार नंबर को लिंक कर लीजिए, ताकि ये सेवाएँ जो हैं वो आपकी लगातार आगे भी चलती रहें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।